हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूँ। मोस्ट पेटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 47 रहेगा। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी मोस्ट पेटेड कॉन्सेप्ट रिवीजन सीरीज जो चल रही है उसके अंदर हमने जो सेल्फ सिग्नलिंग का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा यहाँ पे कम्प्लीट हो चुका है। और आज से हम यहाँ पे जो सेल्फ साइकिल हमारा जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे होता है उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके रिगार्डिंग आज का हमारा यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर रहेगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हमने सेल सिग्नलिंग को डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू उसको हमने कंप्लीट किया था, तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल भी जो टॉपिक है इसके रिगार्डिंग जो हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज क्वेश्चंस है उनको भी हम इसी लेक्चर सीरीज के अंदर कंप्लीट करके चलेंगे, रिवाइज करके चलेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा यहाँ पे सेल साइकिल के रिगार्डिंग ये फर्स्ट लेक्चर रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि सेल साइकिल एक्चुअली में हमारा यहाँ पे होता क्या है, ठीक है, कि अगर हम यहाँ पे सेल साइकिल को अगर डिफाइन करना चाहे कि सेल साइकिल अगर हम किसी न्यू कैंडिडेट को अगर यहाँ पे बताए कि सेल साइकिल एक्चुअली में क्या रहेगा तो वो हमारा क्या होता है, इट इज द ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन विच ए यूकैरियोटिक सेल डुप्लीकेट इट्स क्रोमोसोम एंड डिवाइड इनटू टू। द सेल साइकिल नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ फोर फेजेस, G1 बिफोर डीएनए सिंथेसिस अकर, S व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन अकर, G2 आफ्टर डीएनए सिंथेसिस एंड एम व्हेन दिस सेल डिवीजन अकर यील्डिंग टू डॉटर सेल्स। देखो सेल साइकिल हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, सेल साइकिल हमारे यहाँ पे एक सीक्वेंस रहेगा इवेंट्स का, ठीक है, और जो कि हमारा एक कांस्टेंट ऑर्डर के अंदर हमारे यहाँ पे चलेगा, ठीक है। एक इवेंट का यहाँ पे हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है जो कि हमारे यहाँ पे बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इन विच ए यूकैरियोटिक, अब यूकैरियोटिक भी हो सकता है प्रोकैरियोटिक भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक अगर हम यहाँ पे सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो यूकैरियोटिक सेल डुप्लीकेट, जैसे कि यहाँ पे हमारा एक क्या हो गया, एक सेल यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। और इसी सेल की अगर हम यहाँ पे कॉपी बना रहे हैं, इसको अगर हम यहाँ पे दो के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एक हमारा ये वाला हो गया और एक हमारा यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा यहाँ पे होगा ना, एक जो हमारा यहाँ पे सेल है वो दो सेल्स के अंदर जो यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यू ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट, ठीक है। तो वो हमारा सब यहाँ पे क्या कहलाएगा, सेल साइकिल, ठीक है। सेल साइकिल हमारे यहाँ पे क्या हो गया, इवेंट का एक सीक्वेंस हो गया, ऑर्डर्ड सीक्वेंस हो गया, जिसके अंदर क्या होगा कि एक जो हमारे यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल है वो हमारे यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा, किसके अंदर, दो सेल्स के अंदर, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल है जो यहाँ पे क्या रहे ना कि जो सीक्वेंस यहाँ पे हमारा रहेगा इवेंट्स का, ठीक है। तो जो ये इवेंट्स की बात हम कह रहे हैं ना, इवेंट्स के अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि हमारे यहाँ पे चार अलग अलग फेजेस होते हैं, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे एक G1 फेज हो गया, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे अलग अलग इवेंट होते हैं, जैसे कि G1 फेज हो गया, देन उसके बाद S फेज आएगा, देन उसके बाद यहाँ पे G2 फेज आएगा, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे M फेज आएगा। तो ये जो हमारे यहाँ पे अलग अलग फेजेस है यही हमारे यहाँ पे क्या है, इवेंट्स है। अलग अलग यहाँ पे हमारे इवेंट होंगे जो कि हमारे एक कॉन्टिन्यू एक सीक्वेंस में यहाँ पे चलेंगे, ऑर्डर्ड सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे G1 फेज आएगा, देन उसके बाद S आएगा, देन उसके बाद G2 फेज, देन उसके बाद यहाँ पे हमारा M फेज आता है, ठीक है। जो हमारे ये इवेंट्स का जो सीक्वेंस यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, एक ऑर्डर सीक्वेंस जो यहाँ पे चल रहा है जिसके अंदर हमारा एक जो यूकैरियोटिक सेल है वो हमारा दो सेल्स के अंदर यहाँ पे हमारा डिवाइड हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, सेल साइकिल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो अलग अलग फेसेस या फिर अलग अलग जो हम यहाँ पे इवेंट्स की जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उनके अंदर एक्चुअली हमारे यहाँ पे होता क्या है, तो यहाँ पे हमारे दो इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे देखो चारों इवेंट हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यू नहीं कह सकते कि हमारे सिर्फ दो ही मेजरली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे मेजरली जो डिफरेंट हमें यहाँ पे फंक्शंस जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, वैसे तो हमारे G1, G2, S, M सब में हमारे यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस रहेंगे इनके, लेकिन जो हमारा सबसे ज्यादा जो रोल है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ना, अगर हम सेल साइकिल के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारा एक तो रहेगा M फेज और एक हमारे यहाँ पे होता है S फेज, ठीक है। जो S फेज होगा इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे डीएनए कंटेंट है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन के थ्रू दो के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, दो की आप दो अलग अलग यहाँ पे हमारी कॉपी फॉर्मेशन हो जाएगी। और जो हमारे यहाँ पे एम फेज होगा, ठीक है, देखो इसके अंदर तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ था कि सिर्फ डीएनए कंटेंट की हमारी यहाँ पे रेप्लिकेशन हुई थी, इसकी यहाँ पे कॉपीज बन गई, ठीक है। जो हमारा सेल है, जैसे कि ये सेल हो गया, अब इस सेल के अंदर जैसे कि ये हमारे यहाँ पे डीएनए कंटेंट था, अब देखो जो एस फेज हुआ है ना, एस फेज के अंदर तो यहाँ पे हमारा सिंपली क्या हुआ कि जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सेल ही था, और सेल के अंदर क्या हो गया कि डीएनए की यहाँ पे हमारी दो कॉपीज बन गई, एक ये वाली कॉपी है और एक हमारी ये वाली कॉपीज हो गई, ठीक है। तो एस फेज के अंदर अभी तक क्या हुआ है, सिर्फ जो डीएनए कंटेंट है ना उसकी यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गई, और जो एम फेज होगा ना, एम फेज अब क्या कर देगा, इसको दो अलग अलग सेल्स में अंदर यहाँ पे डिवाइड कर देगा, एक के अंदर अपना यहाँ पे डीएनए कंटेंट हो गया और दूसरे के अंदर ये वाला अपना यहाँ पे डीएनए कंटेंट हो गया, ठीक है।
तो एक तो हमारे यहाँ पे एस फेज हो गया और एक हमारे यहाँ पे क्या होता है एम फेज होगा। एस फेज के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि जो डीएनए है उसकी हमारे यहाँ पे रेप्लिकेशन होगी, और जो एम फेज होगा इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो सेल है वो हमारे यहाँ पे दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब उससे अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो एस फेज है उससे पहले हमारे यहाँ पे कौन सा आता है G1 फेज आएगा, और उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा G2 फेज आएगा। G1 फेज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो G1 फेज हमारे यहाँ पे क्या करेगा, G1 फेज जो हमारे यहाँ पे जैसे कि एस के अंदर हमने अभी बताया एस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होना है जो हमारा डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन होनी है, तो जो G1 फेज होगा ना वो यहाँ पे क्या करेगा इसको प्रिपेयर करेगा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, जो डिफरेंट यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस इसको चाहिए होगी रेप्लिकेशन के टाइम पे उन सब की यहाँ पे सिंथेसिस करके दे देगा। और एच फेज के इसके अंदर एंट्री करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि सब जो इस जो भी इसको यहाँ पे एंजाइम प्रोटीन वगैरह चाहिए होंगे मैक्सिमम की यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेशन हो चुकी होगी, और वो यहाँ पे एस फेज क्या कर देगा जो यहाँ पे डीएनए होगा उसकी रेप्लिकेशन यहाँ पे कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अब रेप्लिकेशन तो हो चुकी है, अब यहाँ पे जो प्रोटीन्स वगैरह या फिर जो डिफरेंट यहाँ पे एंजाइम चाहिए वो किसके लिए चाहिए, जो यहाँ पे सेल है उसको दो सेल्स के अंदर डिवाइड करने के लिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे G2 फेज होगा ना G2 फेज यहाँ पे क्या करेगा जो डिफरेंट प्रोटीन या फिर जो एंजाइम्स है या फिर जो भी चीज को यहाँ पे चाहिए होगी सेल साइकिल के अंदर, जो यहाँ पे एक सेल है उसको दो सेल्स के अंदर डिवाइड करने के लिए उन सब की यहाँ पे फॉर्मेशन कर देगा। देन उसके बाद एम फेज के अंदर यहाँ पे हमारे जो सेल है वो दो सेल्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फेजेस है, ये हमारे कंटिन्यू यहाँ पे चलते रहेंगे। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारे यहाँ पे एक सेल की फॉर्मेशन हो चुकी है, दूसरा सेल हमारे यहाँ पे ये बन चुका है, अब इस सेल की फिर से क्या होगी यहाँ पे ये हमारा फिर से यहाँ पे दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से पहले G1S G2M, इसी तरीके से जो यहाँ पे नीचे वाला सेल भी है ये भी हमारा क्या कर देगा यहाँ पे दो सेल्स की फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या है कंटिन्यू यहाँ पे प्रोसेस हमारे यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, और इसी को यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था सेल साइकिल। ठीक है, अब इसी के अंदर यहाँ पे हमारा एक और टॉपिक आ जाता है सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन यहाँ पे क्या होगा सेपरेशन ऑफ ए सेल इंटू टू डॉटर सेल्स हायर यूकैरियोटिक इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस माइटोसिस एंड द साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस ऑफ्टन रेफर टू न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। देखो जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि सेल डिवीजन हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, सेल डिवीजन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे यहाँ पे एक सेल है वो हमारे यहाँ पे दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो गया सेल डिवीजन हो गया, और ये जब प्रोसेस बार बार हमारे यहाँ पे रिपीट होती है ना उसी को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं सेल साइकिल। अब यहाँ पे हमने सिंपली किसकी बात किया है सेल डिवीजन की बात की है, तो सेल डिवीजन हमें यहाँ पे क्या बताया है कि जब हमारे यहाँ पे एक सेल है वो दो सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, दो डॉटर सेल्स के अंदर यहाँ पे हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हमने क्या नाम दिया यहाँ पे सेल डिवीजन। और जो सेल डिवीजन है ना उसके अंदर यहाँ पे हमारी दो चीजें आती है, एक तो हमारे यहाँ पे होता है माइटोसिस और एक हमारे यहाँ पे होता है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो माइटोसिस अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियस की डिवीजन होता है, और जो साइटोकाइनेसिस होता है ये हमारा क्या होता है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। ठीक है, आगे जब हम माइटोसिस मियोसिस को पढ़ेंगे तो वहां पे हम इसको देखेंगे। तो माइटोसिस अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर बात करूँ ना तो ये हमारा सिर्फ क्या होता है न्यूक्लियस की डिवीजन, जो हमारा एक न्यूक्लियस है वो दो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे हमारा जब डिवाइड हो जाता है तो उसको हम यहाँ पे क्या नाम देंगे माइटोसिस। और जो साइटोकाइनेसिस है वो हमारा क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म है ना वो भी हमारे यहाँ पे दो साइटोप्लाज्म के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जो माइटोसिस है ना उसी को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं उसी के अंदर हम न्यूक्लियस और साइटोकाइनेसिस दोनों डिवीजन को यहाँ पे हम इंक्लूड कर देते हैं। जैसे कि आगे हमने बताया ना माइटोसिस ऑफ्टन रेफर टू द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। माइटोसिस के अंदर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं दोनों को ही हम यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन अगर हमें पर्टिकुलर टर्म वाइज आए तो माइटोसिस हमारे यहाँ पे क्या रहेगा न्यूक्लियस के डिवीजन, और जो यहाँ पे हमारा साइटोकाइनेसिस रहेगा ये हमारा क्या होता है साइटोप्लाज्म के डिवीजन। ठीक है, और जब दोनों ही डिवीजन यहाँ पे हो जाएगी तब हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा एक सेल हमारे यहाँ पे दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर ऑर्गेनिज्म बट कंटिन्यू इन अ सर्टेन टिश्यू थ्रू आउट द लाइफ। अब देखो यहाँ पे यू नहीं है जैसे कि हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे ये जायगोट हो गया। ठीक है, अब जायगोट की यहाँ पे कंटिन्यू डिवीजन होती रही यहाँ पे हमारे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती रही, और यहाँ पे क्या हुआ कि मैच्योर ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे हमारे बहुत सारे यहाँ पे सेल्स है, जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं कुछ इतने यहाँ पे हमारे सेल्स है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इतने सारे यहाँ पे सेल्स हो गए, इन सब की यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये जो हमारे यहाँ पे इतने सारे जो हमने यहाँ पे सेल्स बताए हैं ठीक है कि ये हमारे यहाँ पे इतने सेल्स की फॉर्मेशन होगी और अब यहाँ पे फर्दर कोई सेल डिवीजन नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। देखो यहाँ पे हमने यही बताया सेल डिवीजन डज नॉट स्टॉप विद द फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि मैच्योर ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई और अब यहाँ पे कोई भी फर्दर सेल डिवीजन यहाँ पे नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। बल्कि यहाँ पे क्या रहेगा कि जो यहाँ पे ऑलरेडी सेल्स की फॉर्मेशन हो चुकी है अब
इनमें से कुछ सेल्स की यहाँ पे क्या होगी, डेथ होती रहेगी कंटिन्यू, ठीक है। और जब यहाँ पे डेथ होगी तो यहाँ पे क्या हुआ, सेल हमारा यहाँ पे एक सेल की अगर यहाँ पे डेथ हुई तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक सेल यहाँ पे कम हो गया, तो उस सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, दूसरे सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि सेल डिवीजन फिर से होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ कि क्या होता है कि कंटिन्यू यहाँ पे सेल्स की डेथ भी होती रहेगी और न्यू सेल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन भी होती रहेगी। और इसीलिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो सेल डिवीजन है ना, सेल डिवीजन यहाँ पे यू नहीं है कि मैच्योर ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे फॉर्मेशन हुई और फर्दर यहाँ पे कोई सेल डिवीजन अब नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। जब तक हमारे यहाँ पे लाइफ चलती रहेगी तब तक यहाँ पे कुछ सेल्स के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, सर्टेन टिश्यूज के अंदर यहाँ पे जो सेल डिवीजन है वो थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ द यूकैरियोटिक सेल डिवीजन आर फाउंड, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर यहाँ पे आप में दो टाइप की सेल डिवीजन यहाँ पे में देखने को मिलती है, एक यहाँ पे हमारा होता है माइटोसिस और एक यहाँ पे हमारा होगा मियोसिस। माइटोसिस अगर हम यहाँ पे बात करें तो माइटोसिस हमारे यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स दैट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, वेयर एज मियोसिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द सेल्स विद हाफ द जेनेटिक कंटेंट ऑफ द पेरेंट। देखो यहाँ पे हमारा क्या है, दो हमने यहाँ पे टाइप बताया आपको, एक हमारे यहाँ पे होता है माइटोसिस, एक यहाँ पे हमारा होगा मियोसिस। तो पहले अगर हम यहाँ पे बात करें माइटोसिस के लिए, जैसे कि यहाँ पे एक हमारा ये वाला सेल हो गया, ठीक है, और इससे हमने क्या बताया कि दो सेल्स की हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होनी है, ठीक है। अब जो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस के अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, पहले अगर हम बात करें माइटोसिस के लिए, तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि जो जेनेटिक कंटेंट इसके पास है, जो करेक्टर इसके पास है, वही कंटेंट या फिर वही करेक्टर किसके पास जाएंगे, इनकी प्रोजनीज के पास, जो इसके डॉटर सेल्स है उनके पास भी क्या होगा, सेम ऐसा ही उसके पास भी यहाँ पे जेनेटिक कंटेंट होगा, ठीक है। जो यहाँ पे एलील्स इसके पास है वही एलील्स क्या होंगे, इनके पास भी यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे सेम हो गया जेनेटिक कंटेंट, तो ये तो हमारा क्या होता है यहाँ पे माइटोसिस। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मियोसिस के लिए, तो मियोसिस के अंदर यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एक सेल हो गया, इसका ये यहाँ पे जेनेटिक कंटेंट है। अब क्या हुआ, किसने भी यहाँ पे दो सेल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन की, ठीक है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला यहाँ पे सेल हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो जेनेटिक कंटेंट है ना वो यहाँ पे सेम एज टू एज, यू नहीं है कि जो यहाँ पे जेनेटिक कंटेंट इसका था वही जेनेटिक कंटेंट इस सेल का और इस सेल का भी होगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके अंदर यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन वगैरह हो जाती है म्यूसिस के अंदर, जब हम यहाँ पे म्यूसिस को स्टडी करेंगे तब हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ पे जो जेनेटिक है, जो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलेगा। तो जो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि जो जेनेटिक कंटेंट है वो दोनों ही डॉटर सेल्स के अंदर क्या होगा, सेम होगा एज पेरेंट। ये यहाँ पे पेरेंट हो गया, ये यहाँ पे डॉटर है, ये यहाँ पे डॉटर है। तो जो डॉटर्स है, जैसे कि इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो बिल्कुल इसके जैसा होगा और इसके अंदर जो कंटेंट होगा वो भी बिल्कुल इसके जैसा होगा। लेकिन मियोसिस के अंदर यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें मियोसिस के लिए, तो मियोसिस के अंदर जो जेनेटिक कंटेंट इसके पास है वो इससे भी डिफरेंट है और इससे भी डिफरेंट है, ठीक है। और इसके पास जो जेनेटिक कंटेंट होगा वो भी इन दोनों इसके साथ और इसके साथ यहाँ पे मैच नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है मियोसिस, और यहाँ पे ये हमारे क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस सर्व एज द बेसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल्स एंड मियोसिस एज द बेसिस ऑफ फॉर द मेकिंग न्यू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो माइटोसिस है ना, माइटोसिस हमारे यहाँ पे कब इसके में जरूरत पड़ती है, जब हमें यहाँ पे न्यू सेल्स की फॉर्मेशन करनी हो सिंपली। लेकिन जो मियोसिस होता है ना, मियोसिस हमारे यहाँ पे हमें कब इसकी जरूरत पड़ती है, अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करें तो इसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। और गैमेट प्रोडक्शन फॉर्मेशन से यहाँ पे क्या होगा, जो न्यू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। तो माइटोसिस हमें कब चाहिए, जब यहाँ पे न्यू सेल्स की सिंपली फॉर्मेशन चाहिए, और जो मियोसिस होती है तब उसकी हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट कब होगी, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे या फिर न्यू सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सेल डिवीजन है ये हमारा क्या रहेगा, इसके कौन कौन से हमारे यहाँ पे दो टाइप होंगे और वो टाइप हमारे यहाँ पे कब यूज होंगे और उनका मतलब यहाँ पे क्या रहता है, माइटोसिस हो गया और एक हमारे यहाँ पे मियोसिस हो गया, क्लियर है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो यहाँ पे हमारे अलग अलग जो यहाँ पे हमारे साइकिल्स है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे बात किया ना सेल साइकिल होता है, उसके अंदर हमारे यहाँ पे अलग अलग फेजेस होंगे, तो वे हमारे यहाँ पे किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से हमारे यहाँ पे अलग अलग फेजेस यहाँ पे आते हैं, तो अगर हम यहाँ पे उनके लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, द सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेजर फेजेस, एम फेज एंड इंटरफेज। देखो अब यहाँ पे हमने पीछे क्या बताया था आपको कि यहाँ पे हमारे चार फेजेस होते हैं, अभी पीछे हमने बताया था ना, यहाँ पे हमने कौन कौन से फेजेस की बात की थी, G1 फेज की हमने यहाँ पे बात की थी, उसके बाद हमने यहाँ पे बताया था आपको S फेज, देन उसके बाद हमने यहाँ पे बताया था G2 फेज, देन उसके बाद हमने यहाँ पे आपको बताया था M फेज। अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो हमारा सेल साइकिल है ना उसको हम यहाँ पे दो अलग अलग फेजेस के अंदर, मेजर फेजेस के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं,
जैसे कि एक हमने यहाँ पे कौन सा बता दिया, इंटरफेज। अब ये इंटरफेज यहाँ पे क्या गया, जो हमने यहाँ पे G1S और G2 को बोला है ना, ये सब कंबाइंड अगर हम यहाँ पे इनको कर देते हैं तो ये हमारे यहाँ पे क्या कहलाएगा, इंटरफेज कहलाएगा, ठीक है। और M फेज तो हमारे यहाँ पे अलग से बचेगा ही, ठीक है। इन तीनों फेजेस को अगर हम यहाँ पे कलेक्टिवली अगर हम यहाँ पे कोई नाम देंगे तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरफेज हो जाएगा, ठीक है। M फेज इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच डुप्लीकेट क्रोमोसोम आर सेपरेटेड इन टू द टू न्यूक्लियाई एंड साइटोकाइनेसिस द इंटायर सेल डिवाइडेड इन टू द टू सेल्स। इंटरफेज जो हमारे यहाँ पे इंटरफेज होगा, इंटरफेज के अंदर यहाँ पे क्या होता है, इंटरफेज द पीरियड बिटवीन द सेल डिवीजन इज ए टाइम व्हेन द सेल ग्रो एंड एंगेज इन टू द डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। देखो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमारे क्या है, चार अलग अलग फेजेस हमारे यहाँ पे हो गए। पहला हमारे यहाँ पे G1, देन उसके बाद S, देन उसके बाद यहाँ पे G2, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे फोर्थ फेज कौन सा होगा, माइटोसिस या फिर मियोसिस हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे हमारी सेल डिवीजन एक्चुअल में होगी, ठीक है। M फेज हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये जो हमारे यहाँ पे G1S और G2 फेज होते हैं, ये सब मिलके हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, कलेक्टिवली इनको यहाँ पे हम क्या नाम दे सकते हैं, इंटरफेज नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो हम यहाँ पे दो फेजेस की हम जो बात कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ पे जो इंटरफेज है, एक हमारे यहाँ पे जो एम फेज है, एम फेज के अंदर तो देखो हमारे यहाँ पे सिंपली क्या होनी है, यहाँ पे हमारी न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है इन दोनों की हमारे यहाँ पे क्या होनी है, डिवीजन यहाँ पे होनी है। जो हमारे यहाँ पे एक सेल है वो हमारा दो सेल्स के अंदर यहाँ पे हमारा डिवाइड हो जाएगा एम फेज के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारा न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म दोनों की डिवीजन हो जाएगी। तो इंटरफेज जो होगा ना, इंटरफेज इसको यहाँ पे क्या करेगा, जैसे कि ये तो हमारा जो एम फेज हो गया, एम फेज हमने क्या बताया, एक सेल हमारा दो सेल के अंदर डिवाइड होगा, और इसी चीज को हमने क्या नाम दिया था अभी पीछे, सेल डिवीजन यहाँ पे हमने नाम दिया था, ठीक है। जब हमारा जो एक सेल है वो हमारे यहाँ पे दो सेल्स के अंदर जब हमारे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उसी को यहाँ पे हमने क्या नाम दिया था, सेल डिवीजन यहाँ पे हमने बोला था। तो एम फेज में तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सेल डिवाइड हो गया। तो जब ये हमने यहाँ पे बताया था ना कि हमारे यहाँ पे कंटिन्यू इनका साइकिल चलता रहेगा, तो इंटरफेज, फिर उसके बाद हमारा क्या आएगा, एम फेज आएगा, फिर से हमारे यहाँ पे क्या आएगा, इंटरफेज आएगा, फिर से हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एम फेज आएगा। तो जो इंटरफेज है ना, इंटरफेज यहाँ पे क्या करेगा, इसको जो हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन होनी है उसके लिए प्रिपेयर करेगा इसको। जैसे कि प्रिपेरेशन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या आ गया, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक सेल हो गया, अब ये हमारा दो सेल्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड होना है तो इसके यहाँ पे अलग अलग प्रोटीन की उसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। इसको रेप्लिकेशन भी यहाँ पे करनी है, इसको अलग अलग एंजाइम की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी डिवीजन के टाइम पे। तो वो सब हमारे यहाँ पे कौन प्रिपेयर करके देगा, आई फेज यानी कि इंटरफेज यहाँ पे हमें प्रिपेयर करके देगा। उसके अलावा क्या होगा कि जो इसका साइटोप्लाज्म है, अब देखो एक हमारे यहाँ पे ये वाला एक सेल था, पेरेंटल सेल था, और इसको क्या करना है, दो सेम ऐसे ही इतने ही बड़े साइज के यहाँ पे दो डॉटर सेल की यहाँ पे फॉर्मेशन करनी है। तो इसको साइटोप्लाज्म क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका साइज भी क्या होना चाहिए, यहाँ पे लार्ज होना चाहिए। जैसे कि इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया अपने साइज को। ये जी भी यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये भी कब होगा, इंटरफेज के अंदर ही होगा, ठीक है। तो यानी कि इंटरफेज हमारे यहाँ पे क्या करेगा, इंटरफेज द पीरियड बिटवीन द सेल डिवीजन। जैसे कि यहाँ पे हमारा एम फेज हुआ, देन इंटरफेज, देन एम फेज, देन इंटरफेज, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा जो सेल डिवीजन यहाँ पे हो रही है उनके बीच का जो हमारे यहाँ पे पीरियड रहेगा। द पीरियड बिटवीन द सेल डिवीजन इज अ टाइम व्हेन द सेल ग्रो एंड इंगेज इन द डाइवर्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी और इसको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा सेल डिवीजन के लिए या फिर एम फेज के लिए, ठीक है। एम फेज हमारे यहाँ पे क्या था, एम फेज यूजुअली लास्ट ओनली एन आवर और सो इन मैमेलियन सेल द इंटरफेज में एक्सटेंड फॉर डेज, वीक्स और लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप एंड द कंडीशन। देखो एम फेज में हमारे यहाँ पे क्या हुआ था, सेल डिवीजन हुआ था, और हमने क्या बताया, देखो हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारा इंटरफेज है, इंटरफेज क्या करेगा, इसको सारी चीजें यहाँ पे प्रिपेयर करके दे देगा, इसको न्यूक्लियस हो गया, सॉरी जो यहाँ पे डीएनए कंटेंट है उसको डुप्लीकेशन यहाँ पे इसने कर दी, प्रोटीन इसने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए, अलग अलग जीन की एक्सप्रेशन यहाँ पे इसने सब कुछ इसको यहाँ पे प्रिपेयर करके दे दिया एम फेज को, और क्या कह दिया कि आपको यहाँ पे सिर्फ सिंपली क्या करना है, सेल को यहाँ पे डिवाइड कर देना है, सब चीजें आपके साथ यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे के पूरे फेज ने यहाँ पे क्या कर दिया, जो यहाँ पे हमारे सेल था वो ग्रो कर दिया एंड कैरी आउट नॉर्मल मेटाबोलिक ऑर्गनलीज डुप्लीकेशन, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो ऑर्गनलीज भी थी उनकी भी यहाँ पे डुप्लीकेशन इसने यहाँ पे कर दी। एस फेज ने क्या किया, डीएनए रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन यहाँ पे कर दी। G2 फेज ने यहाँ पे क्या किया, सेल को ग्रो कर दिया और प्रिपेयर कर दिया इसको माइटोसिस के लिए, क्लियर है। और यहाँ पे इन सब चीजों ने यहाँ पे क्या कर दिया, ये पहुंचे किसके पास, एम फेज के पास, और एम फेज को क्या बोल दिया कि अब यहाँ पे आप सेल को डिवाइड करके दे दो हमें, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज तो देखो क्लियर हो रही है कि यहाँ पे हमारा जो एम फेज होगा ना वो हमारे यहाँ पे कैसा रहेगा, शॉर्ट फेज रहेगा, ठीक है। और ये हमारा जो लॉन्गर फेज होगा यानी कि जो हमारे यहाँ पे इंटरफेज होगा वो हमारा कैसा रहेगा, लॉन्गर होगा, ठीक है। यही हमने यहाँ पे बताया, जो एम फेज है यूजुअली लास्ट ओनली एन आवर
और सो इन मेमेलियन सेल द इंटरफेज में एक्सटेंड फॉर डेज वीक्स और लॉन्गर डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप एंड द कंडीशन. ठीक है, द सेल दैट पासिस थ्रू ए पीरियड कॉल्ड द जी टू फॉर गैप टू बिफोर एंटरिंग द माइटोसिस द प्रोसेस बाय विच द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आर सेग्रीगेटेड टू द डॉटर सेल. दिस प्रोसेस हैज टू बी वेरी प्रिसाइज. लॉस और गेन इन द क्रोमोसोम कैन एदर बी लिथल टू द सेल इन विच केस इट इज ऑफ्टन नॉट डिटेक्टेड और कॉज सेवरल कॉम्प्लिकेशन फॉर द सेल. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो एम फेज है ना, एम फेज के अंदर जो हमारे यहाँ पे सेल जो डिवाइड होगा तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे जो डीएनए कंटेंट भी है या फिर जो हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर भी है उनको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक प्रिसाइजली यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा. जैसे कि हमने म्यूटेशन पढ़ा है ना, म्यूटेशन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो हमारे यहाँ पे कम ज्यादा हो जाते हैं. तो जैसे कि जो इंटरफेज था, इंटरफेज ने यहाँ पे क्या कर दिया था, जो यहाँ पे हमारे 46 थे उनको यहाँ पे क्या कर दिया था, 92 कॉपीज की यहाँ पे बढ़ा के दे दी थी. तो एम फेज को भी क्या करना है, इन 92 को यहाँ पे क्या कर देना, दोनों सेल्स के अंदर यहाँ पे 46 46 यहाँ पे डिवाइड कर देना. अगर यहाँ पे इसको ये प्रिसाइजली अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाया, जैसे कि यहाँ पे इसने 47 दे दिया, यहाँ पे इसने 45 यहाँ पे 47 अगर यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी. और अगर इसी तरीके से केस चलता रहा तो इस तरीके से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म की डेथ ही हो जाएगी. ठीक है, हमें तो यहाँ पे मिलियंस में इसकी कॉपी करनी है. ठीक है, तो अगर हर एक बार यहाँ पे इस तरीके से डिवीजन चलती रहेगी तो यहाँ पे तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा क्या पता कि अगर यहाँ पे इसी तरीके से जैसे फर्स्ट के अंदर यहाँ पे हमारा 45 हो गया, सेकंड के अंदर ये हमारा 44 भी हो सकता है, थर्ड डिवीजन के अंदर ये हमारा 43 भी हो जाएगा. तो इस तरीके से तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि जब यहाँ पे सेल के अंदर क्रोमोसोम ही खत्म हो जाएंगे. तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे एम फेज है ना, एम फेज यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि इसको क्या करना है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको इक्वल पोर्शन के अंदर यहाँ पे हमें डिवाइड करके देना. ठीक है, और अगर ये डिवाइड नहीं कर पाएगा तो वहां पे हमारा क्या होगा, म्यूटेशन यहाँ पे हमारी अराइज हो जाती है. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे एक ओवरव्यू हो जाता है जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल था. सेल साइकिल के अंदर जो हमारे यहाँ पे अलग अलग फेजेस थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे G1 G2, ठीक है, उसके अलावा एस फेज और गया और जो हमारे यहाँ पे एम फेज. ठीक है, अब यहाँ पे ना आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि जो हमारे यहाँ पे एम फेज है, अगर हम पर्टिकुलर जो हमने यहाँ पे एम फेज की बात की थी ना, जो यहाँ पे हमने एम फेज की बात की थी, एम फेज के अंदर हमें आपको क्या बताया था, दो चीजें हमारे यहाँ पे होगी. एक तो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि माइटोसिस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक तो हमारे यहाँ पे माइटोसिस हो गया और एक हमारे यहाँ पे क्या हो गया था, साइटोकाइनेसिस. ठीक है, माइटोसिस के अंदर क्या हुआ था, न्यूक्लियस की यहाँ पे डिवीजन हुई थी, और जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस था इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ था, साइटोप्लाज्म की यहाँ पे डिवीजन हुई थी. ठीक है, और वैसे हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, एम फेज को यहाँ पे हम माइटोसिस मान लेते हैं. ठीक है, इसी के अंदर यहाँ पे हम न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म डिवीजन को यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं. लेकिन अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे हमने माइटोसिस वैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया, लेकिन इस एक्चुअल जो हमारे यहाँ पे माइटोसिस होगा ना वो हमारा यहाँ तक करेगा. जैसे कि यहाँ पे हमने इस डायग्राम के अंदर भी बताया माइटोसिस ये वाला हो गया, लेकिन इस कंप्लीट को भी यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, माइटोसिस के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं. ठीक है, तो देखो जो हमारे यहाँ पे माइटोसिस होगा ना, माइटोसिस के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे हमें मेजरली जो हमारे यहाँ पे माइटोसिस है, माइटोसिस के अंदर यहाँ पे हमारे मेजरली चार यहाँ पे अलग अलग फेजेस होते हैं. पहला हमारे यहाँ पे होगा प्रोफेज, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे मेटाफेज, देन उसके बाद एनाफेज, देन उसके बाद यहाँ पे टीलोफेज. हाँ, जो हमारे यहाँ पे प्रो और जो मेटाफेज होता है ना, इसके बीच में भी हमारे यहाँ पे एक फेज हम मान लेते हैं प्रो मेटाफेज. लेकिन मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे बुक्स होती है या फिर जो मैक्सिमम यहाँ पे देखने को मिलता है तो उसके अंदर इस फेज को इंक्लूड नहीं किया जाता. तो हमारे यहाँ पे सिर्फ चार ही फेजेज होते हैं, प्रो मेटा एना एंड टीलोफेज. देन उसके बाद हमारे यहाँ पे जब टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, साइटोकाइनेसिस. ठीक है, और ये कंप्लीट हमारे यहाँ पे जो माइटोसिस और जो हमारे यहाँ पे साइटोकाइनेसिस है ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे क्या करेगा, एम फेज के यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे अलग अलग फेजेस थे. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे हमने जैसे कि स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो यहाँ पे हमारे सेल्स होते हैं, सेल्स यू नहीं है कि जब हमारे यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कम्प्लीटली यहाँ पे मैच्योर हो चुका है तो देन उसके बाद हमें यहाँ पे सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. हमने बताया ना ऐसे में यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि जब तक यहाँ पे लाइफ चलेगी तो कुछ हमारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे पूरी लाइफ यहाँ पे सेल डिवीजन करते रहेंगे. ठीक है, और इसी के बेस पे कि वो कितने टाइम तक यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं, जैसे कि कुछ हमारे सेल्स होंगे जो कि थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पे हमारे डिवीजन करते रहेंगे, कुछ हमारे ऐसे सेल्स भी होंगे जो कि सिर्फ एक ही बार यहाँ पे डिवीजन यहाँ पे कर पाएंगे, और कुछ हमारे ऐसे सेल्स होंगे जो कि रिक्वायरमेंट के टाइम पे यहाँ पे हमारे डिवाइड होंगे. तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारे क्या है, देर आर थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सेल बेस्ड ऑन देयर डिवीजन मेथड, कि वो किस तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर रही है. वो यहाँ पे थ्रू आउट द लाइफ यहाँ पे डिवीजन कर रही है, वो सिर्फ यहाँ पे वन टाइम यहाँ पे डिवीजन कर रहे हैं, या फिर वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब उनकी यहाँ पे जरूरत है तभी यहाँ पे ये डिवाइड कर रहे हैं. तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमारे क्या होगी, तीन अलग अलग यहाँ पे हमारी कैटेगरीज हो जाती है. तो पहला अगर हम यहाँ पे बात करें पहली कैटेगरी के लिए,
सेल्स सच एज नर्व सेल्स, मसल सेल्स और रेड ब्लड सेल दैट आर हाईली स्पेशलाइज्ड एंड कैन नॉट डिवाइड. वंस दीज सेल्स हैव डिफरेंशिएटेड दे रिमेन इन देयर स्टेट अंटिल दे डाई. जो हमारे यहाँ पे नर्व सेल्स होंगे, मसल सेल्स होंगे, या फिर जो हमारे यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स है यानी कि जो आरबीसीज है, तो ये सब जो हमारे यहाँ पे सेल्स होंगे ये हमारे क्या होते हैं, जब इनकी यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमारे एक नर्व सेल की फॉर्मेशन होगी या फिर जो हमारे यहाँ पे मसल सेल है या फिर जो यहाँ पे हमारे आरबीसी सेल्स है, अगर इनकी यहाँ पे एक बार भी अगर यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई, अगर यहाँ पे ये हमारे कंप्लीटली डिफरेंशिएट हो चुकी है, तो ये फर्दर हमारे यहाँ पे और ज्यादा यहाँ पे डिविजन नहीं करेंगे. देखो यहाँ पे हमारा क्या था, जायगोट था. जायगोट से हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के सेल्स हुए, उनसे हमारा बनता बनता एक हमारे यहाँ पे कौन सा बना, आरबीसी सेल हो गया. ठीक है, डिवीजन से खुद बनता आ रहा था लेकिन अब ये फर्दर कोई यहाँ पे डिवीजन नहीं कर पाएगा. इसी तरीके से यहाँ पे नर्व सेल या फिर जो हमारे यहाँ पे मसल सेल होंगे, ये जब यहाँ पे डिफरेंशिएट हो जाएंगे कम्प्लीटली, ये हमारे यहाँ पे स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, तो ये फर्दर यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे. ठीक है, दे रिमेन इन दैट स्टेट अंटिल दे डाई. देन उसके बाद सेकेंड हमारे यहाँ पे आते हैं सेल दैट नॉर्मली डू नॉट डिवाइड बट कैन बी इंड्यूस्ड टू बिगिन डीएनए सिंथेसिस एंड डिवाइड व्हेन गिवन एन एप्रोप्रिएट स्टिमुलस. हमने यहाँ पे सेकंड कौन से बताया, एक हमने यहाँ पे टाइप बताया था ना कि रिक्वायरमेंट के टाइम पे वो हमारे यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो वही हमारे यहाँ पे सेल्स है जो कि हमारे नॉर्मली तो यहाँ पे डिवाइड नहीं करेंगे. यू नहीं है कि वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू डिवाइजन करते जा रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे एक बार डिवाइड होंगे देन उसके बाद वो स्टॉप हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर हम उनको यहाँ पे इंड्यूस करें, अगर हम यहाँ पे उनको अप्रोप्रिएट स्टिमुलस अगर हम प्रोवाइड करेंगे, तो उससे यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सेल है वो दोबारा से यहाँ पे डिविजन करना यहाँ पे स्टार्ट कर देगा. ठीक है, सेल्स दैट नॉर्मली डू नॉट डिवाइड बट कैन इंड्यूस टू बिगेन डीएनए सिंथेसिस एंड डिवाइड व्हेन गिवन एन एप्रोप्रिएट स्टिमुलस. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा हो सकता है लिवर सेल्स विच कैन बी इंड्यूस टू प्रोलिफरेट बाई सर्जिकल रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द लिवर एंड लिम्फोसाइट्स विच कैन बी इंड्यूस टू प्रोलिफरेट बाई इंट्रेक्शन विद एन एप्रोप्रिएट एंटीजन. ठीक है, जो हमारे यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हो गए या फिर जो हमारे यहाँ पे एक फेमस एग्जाम्पल होता है लिवर सेल्स का. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो लिवर होता है, लिवर का अगर यहाँ पे एक पोर्शन अगर हम यहाँ पे कट कर देते हैं, तो वो क्या कर लेगा, बाकी का जो जो कट यहाँ पे पोर्शन हमने किया है उसको वापस यहाँ पे रीजनरेट यहाँ पे कर लेते हैं. ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे कब होता है, जब यहाँ पे उसको स्टिमुलस प्रोवाइड होगा. वैसे वो यहाँ पे यू नहीं है कि वो कंटिन्यू यहाँ पे डिवीजन करता जा रहा है, कंटिन्यू वो डिवीजन नहीं करेगा. वो डिवीजन यहाँ पे कब करेगा, जब उसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी उसकी. ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे ये वाला टाइप हो गया. अब थर्ड हमारे यहाँ पे कौन सा बटेगा, जो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू डिवीजन करते रहेंगे. सेल दैट नॉर्मली पोजेस ए रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी. एग्जाम्पल आर स्टेम सेल्स ऑफ वेरियस अडल्ट टिश्यूज सच एज हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स दैट गिव राइज टू द रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल एंड स्टेम सेल एट द बेस ऑफ द न्यूमरस एपिथेलिया दैट लाइन द बॉडी कैविटीज एंड बॉडी सर्फेस. द रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड नियर द टिप्स ऑफ द प्लांट रूट्स एंड स्टेम ऑल्सो एग्जिबिट रैपिड एंड कॉन्टिन्यूअल सेल डिवीजन. ये हमारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे स्टेम सेल्स होंगे, जो हमारे क्या होते हैं कॉन्टिन्यू डिवीजन करते रहेंगे. ठीक है, इनकी डिवीजन मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या रहती है, कॉन्टिन्यू ही रहेगी. ठीक है, बहुत रेयरली यहाँ पे या फिर ये हमारे यहाँ पे कभी भी सेल डिवीजन को यहाँ पे बंद या फिर स्टॉप नहीं करेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पे सेल्स होते हैं उनको यहाँ पे तीन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे हम डिवाइड कर सकते हैं उनके डिवीजन मेथड के बेस पे. ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे एक बहुत ही फेमस यहाँ पे हमारा एक्सपेरिमेंट आता है, राव एंड जॉनसन एक्सपेरिमेंट. और इसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कई बार हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं. तो ये हमारे यहाँ पे क्या था कि जो राव एंड जॉनसन थे ना, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, दो सेल्स यहाँ पे लिए. जैसे कि एक ये वाला सेल हो गया, एक ये वाला यहाँ पे सेल हो गया, इसको हम यहाँ पे ए रख देते हैं, ये हमारे यहाँ पे बी सेल हो गया. और इन्होंने यहाँ पे जो सेल्स लिए है ना, ये यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल था, ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पे आपको अलग अलग फेज यहाँ पे अभी बताए. तो जो हमारा ए सेल है ये हमारा एक अलग ही यहाँ पे हमारा फेज के अंदर है. ठीक है, जैसे कि ये हमारा जीवन फेज के अंदर हो गया. और जो बी सेल है ये हमारा एक अलग ही फेज के अंदर है, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे एम फेज हो गया. और इन दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, फ्यूज यहाँ पे कर दिया. ठीक है, तो यही हमारे यहाँ पे क्या था, राव एंड जॉनसन एक्सपेरिमेंट था. उन्होंने यहाँ पे क्या किया था कि इन्होंने यहाँ पे दो सेल्स लिए और उनकी यहाँ पे फ्यूजन की. यहाँ पे ट्रिक क्या है कि जो हमारे दोनों के दोनों सेल्स है वो हमारे सेल डिवीजन के अलग अलग फेजेस के अंदर यहाँ पे हमारे हैं. तो उन्होंने यहाँ पे चेक किया था कि अगर हम यहाँ पे सेल अलग अलग सेल्स को यहाँ पे ले रहे हैं जो कि हमारे अलग अलग फेजेस के अंदर है, ठीक है, अलग अलग स्टेज के अंदर है, तो अगर हम यहाँ पे उनको अगर फ्यूज कर रहे हैं तो उनसे जो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट जो हमारे यहाँ पे हेट्रोकारियन होगा, जो हमारे यहाँ पे रिजल्टेंट सेल होगा, वो हमारे यहाँ पे किस तरीके से एक्ट करेगा, वो यहाँ पे हमारा राव एंड जॉनसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें यहाँ पे पता चला था. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें राव एंड जॉनसन एक्सपेरिमेंट के लिए, दे फ्यूज्ड माइटोटिक सेल विद अ सेल इन अदर स्टेज ऑफ द सेल साइकिल एंड रिकॉर्डेड दैट
माइटोटिक सेल ऑलवेज इंड्यूस द कंपैक्टेशन ऑफ द क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस ऑफ द नॉन माइटोटिक सेल्स। इन अनदर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनके अंदर यहाँ पे क्या था, व्हेन ए जी1 फेज एंड एम फेज सेल वर फ्यूज्ड द क्रोमेटिन ऑफ द जी1 फेज न्यूक्लियस अंडरवेंट प्रीमैच्योर क्रोमोसोमल कंपैक्टेशन टू फॉर्म ए सेट ऑफ द इलोंगेटेड कंपैक्टेड क्रोमोसोम। देखो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे उन्होंने लिया जी1 फेज, उनके साथ उन्होंने यहाँ पे मिक्स कौन सा किया या फिर जो फ्यूज यहाँ पे किया वो कौन सा किया, एम फेज वाला। ठीक है, जो जी1 फेज का सेल था और जो एम फेज का सेल था इन दोनों को यहाँ पे क्या कर दिया, मिक्स यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब जो एम फेज वाला सेल था ना, ठीक है, वहां से तो क्या होना चाहिए था कि ये हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन में एंट्री करने वाला था, लेकिन इनको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो जी1 फेज का जो न्यूक्लियस है ना, ठीक है, द क्रोमेटिन जो यहाँ पे जी1 फेज का जो यहाँ पे क्रोमेटिन है या फिर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर उनको क्या देखने को मिलता है, अंडरवेंट प्री मेच्योर क्रोमोसोमल कंपैक्टेशन। यहाँ पे जो हमारा क्रोमोसोम है, जो यहाँ पे क्रोमेटिन होता है, जो डीएनए कंटेंट होगा, उसकी कंपैक्टेशन तो देखो होगी, लेकिन जब हमने यहाँ पे जी1 और एम फेज इन दोनों को यहाँ पे हमने मिक्स कर दिया, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे मिक्सचर हो गया, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा है, ये हमारा जी1 का न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, ये हमारा कौन सा हो जाता है, एम फेज का न्यूक्लियस हो गया। तो इनको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि एम फेज वाले में तो कोई यहाँ पे ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो यहाँ पे हमारा जी1 फेज का जो यहाँ पे न्यूक्लियस जो यहाँ पे क्रोमेटिन था, ठीक है, या फिर जो क्रोमोसोम था उसके अंदर यहाँ पे इसको क्या देखने को मिलता है, प्री मेच्योर क्रोमोसोमल कंपैक्टेशन। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा क्रोमेटिन है, जो यहाँ पे हमारा एक अपने हिसाब से अपने टाइम से यहाँ पे कंपैक्ट हो रहा था, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्री मेच्योरली हमारे यहाँ पे कंपैक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू फॉर्म ए सेट ऑफ द इलोंगेटेड कॉम्पैक्टेड क्रोमोसोम। ठीक है, जब हमने यहाँ पे क्या किया था, जी1 और एम फेज को यहाँ पे मिक्स किया था। ठीक है, फर्स्ट तो हमारे यहाँ पे यही एक्सपेरिमेंट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने यहाँ पे क्या किया, जो राव एंड जॉनसन थे, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि जो जी2 फेज का सेल था उसको एम फेज के साथ यहाँ पे फ्यूज कर दिया। व्हेन ए जी2 फेज एंड एम फेज सेल वर फ्यूज्ड द जी2 क्रोमोसोम आल्सो अंडरवेंट प्री मैच्योर क्रोमोसोम कंपैक्टेशन, बट अनलाइक दोज ऑफ जी1 न्यूक्लियस द कंपैक्टेड जी2 क्रोमोसोम वर विजुअली डबल्ड, रिफ्लेक्टिंग दैट द फैक्ट दैट रेप्लिकेशन हैड ऑलरेडी अकर्ड। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, जैसे कि जी2 और यहाँ पे हमने एम फेज, इन दोनों को यहाँ पे जब उन्होंने फ्यूज किया तो ये हमारे यहाँ पे फ्यूज हो गया, यहाँ पे ये हमारा G2 वाला हो गया, ये हमारे यहाँ पे M वाला हो गया। तो M फेज के अंदर यहाँ पे जो M फेज का यहाँ पे न्यूक्लियस था उसके अंदर यहाँ पे हमें फिर से कोई ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला, लेकिन जो यहाँ पे G2 वाला था ना, इसके अंदर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि फिर से यहाँ पे प्री मेच्योर यहाँ पे क्रोमोसोमल कंपैक्टेशन तो देखो हो रही है, अंडरवेंट प्री मेच्योर क्रोमोसोमल कंपैक्टेशन। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे G1 फेज के अंदर हो रहा था, वही हमारे यहाँ पे G2 वाले के अंदर भी हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हमें एक और चीज देखने को मिलती है, बट अनलाइक दोज ऑफ जी1 फेज न्यूक्लियस द कंपैक्टेड G2 क्रोमोसोम वर विजिबली डबल्ड। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे G1 वाले के अंदर जो हमारे यहाँ पे न्यूक्लियस था, जैसे कि ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर तो ये हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम हमें यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहे थे, ठीक है, लेकिन जो G2 वाला था ना, इसके अंदर क्या हुआ कि इसके कंपेयर में यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वे हमारे कैसे है, डबल्स है। तो इससे हमें यहाँ पे क्या पता चला था, अब देखो हमने यहाँ पे अलग अलग फेज कौन से बताए थे, G1, देन उसके बाद S, देन उसके बाद G2। G1 फेज के अंदर यहाँ पे हमें डबल नहीं मिले थे, G2 के अंदर डबल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि S फेज के अंदर इनकी यहाँ पे डबलिंग या फिर इनकी जो रेप्लिकेशन है वो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा कब हमें देखने को मिला था, जब G2 और M फेज को यहाँ पे हमने एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, इफ ए माइटोटिक सेल वॉज फ्यूज विद द S फेज सेल, अब की बार हमने यहाँ पे M और S इन दोनों को यहाँ पे हमने फ्यूज कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, The S phase chromatin also become compacted, replicating DNA is specially sensitive to damage, so compactation in the S phase nucleus leads to the formation of the pulverized chromosome fragment rather than the intact compacted chromosome. अब की बार में यहाँ पे जो जो क्रोमोसोम यहाँ पे कंपैक्टेड हमें देखने को मिलना चाहिए था, जैसे कि हमें G1 और G2 के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था, लेकिन अब की बार हमारे यहाँ पे क्या है कि कंपैक्टेड तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन वो हमारा अब क्योंकि जो रेप्लिकेटिंग डीएनए है, ठीक है, देखो S phase था और S फेज के अंदर हमने क्या बताया, रेप्लिकेशन यहाँ पे होगी। ठीक है, अब जब रेप्लिकेशन यहाँ पे हो रही है तो जो डीएनए होता है ना वो यहाँ पे क्या होता है, सेंसिटिव होगा डैमेज के लिए, और क्योंकि इसकी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रीमेच्योर यहाँ पे कंपैक्टेशन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है ना वो हमारे यहाँ पे पल्वराइज होने की वजह से क्या हो जाता है, शॉर्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर यहाँ पे हमारा डिवाइड हो जाएगा रेदर देन द इंटैक्ट कंपैक्टेड क्रोमोसोम। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था, फ्रेगमेंट्स की यहाँ पे फॉर्मेशन हो गई थी जब हमने यहाँ पे एम और एस फेज को यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज किया। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या हुआ, व्हेन एस फेज सेल वर फ्यूज्ड विद अ जी टू
फेज सेल। अब की बार हमने यहाँ पे क्या किया, एस और जी टू वाले को यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन कंटिन्यूड इन द एस न्यूक्लियस ऑफ द हेटरोकैरियन, द जी टू न्यूक्लियस वाज अनेबल टू सिंथेसाइज डीएनए। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे फ्यूज किया, एक हमारा ये एस, ये हमारा यहाँ पे जी टू। ठीक है, तो अब की बार यहाँ पे क्या होता है कि जब हमने यहाँ पे एस और जी टू को फ्यूज किया, तो जो हमारे यहाँ पे एस फेज के अंदर जो रेप्लिकेशन यहाँ पे चल रही थी, ठीक है, एस फेज में क्या होगा, रेप्लिकेशन ही होगी, तो इसके अंदर तो जो रेप्लिकेशन चल रही थी ना, वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चलती रही, इसके अंदर तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, द क्रोमोसोम रेप्लिकेशन कंटिन्यू इन द एस न्यूक्लियस ऑफ द हेटरोकैरियन, द जी टू न्यूक्लियस वाज अनेबल टू सिंथेसाइज डीएनए। लेकिन जो जी टू फेज है ना, ये यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस नहीं कर पाया, जबकि हमने पीछे भी बताया था ना ये। तो देखो जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल है, G1, S, G2, then M, तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, रेप्लिकेशन यहाँ पे होगी, तो रेप्लिकेशन इसके अंदर तो होगी नहीं, तो हमने क्या किया, इस वाले और इस वाले, इन दोनों को यहाँ पे फ्यूज कर दिया। तो S के अंदर तो हमारी रेप्लिकेशन कंटिन्यू चल रही है, लेकिन G2 फेज के अंदर यहाँ पे हमारी यू नहीं है कि दोबारा से इसके अंदर रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। देखो S तो इसके पीछे वाली स्टेज है, तो S फेज ने ऐसा नहीं किया कि G2 फेज के अंदर फिर से यहाँ पे रेप्लिकेशन को इंड्यूस कर दिया, यहाँ पे रेप्लिकेशन हमारी नहीं चल पाई, रेप्लिकेशन सिर्फ यहीं पे ही हुई। क्लियर है, ये कब हुआ, जब हमारा एस और जी टू फेज को यहाँ पे हमने एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज कर दिया। ठीक है, दिस इंडिकेट, अब इससे यहाँ पे हमारा क्या पता चला, दिस इंडिकेट दैट द जी टू न्यूक्लियस इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग फर्दर राउंड ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ये हमारा वापस से यू नहीं है कि एस फेज के अंदर यहाँ पे हमारा फिर से एंट्री कर जाएगा या फिर रेप्लिकेशन यहाँ पे फिर से इनिशिएट कर देगा, ऐसा तो यहाँ पे नहीं हुआ। द एस जी टू हेटरोकैरियन एंटर्ड द एम फेज अर्लियर देन द एस एस सेल, इंडिकेटिंग दैट द जी टू न्यूक्लियस एक्सेलरेट द प्रोग्रेशन ऑफ द एस न्यूक्लियस टुवर्ड द माइटोसिस। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पे जरूर देखने को मिली, जब हमने यहाँ पे एस और जी टू इनको यहाँ पे हमने फ्यूज कर दिया, अब हमने यहाँ पे एक और क्या किया था, एस और एस को यहाँ पे फ्यूज किया, तो अब की बार हमें क्या देखने को मिला कि जो हमारे यहाँ पे इसके अंदर, जैसे कि हम सपोज करके चलते हैं कि हमारे 1 घंटे के बाद, 1 आवर के बाद यहाँ पे हमारी रेप जो माइटोटिक फेज था वो हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था। तो जब हमने यहाँ पे एस और जी टू को यहाँ पे हमने फ्यूज कर दिया, तो देखो हमने क्या बताया, जी टू फेज हमारा क्या था, एस के बाद वाली स्टेज, ये हमारा वापस तो नहीं जाएगा, लेकिन इसने क्या किया, इसको यहाँ पे खींच के ले गया, जल्दी से चलो एम फेज के अंदर चलेंगे, ये अपने हिसाब से चल रहा था। ठीक है, लेकिन जी टू ने क्या किया, इसका हाथ पकड़ा और चलो हम यहाँ पे एम फेज के अंदर एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पे एस को नॉर्मली 1 घंटा यहाँ पे लग रहा था, अब यहाँ पे इसको क्या कर रहा है, 30 मिनट्स यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे यू नहीं है कि इसको 30 मिनट्स ही लगेंगे, ये कोई हमारे यहाँ पे बिल्कुल रूल हमने यहाँ पे बना दिया, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे हम बता रहे हैं कि जैसे कि हमारा जो एस फेज था ना, उसको जो यहाँ पे लॉन्गर टाइम लग रहा था माइटोटिक फेज के अंदर एंट्री करने के लिए, उसको जब हमने जी टू फेज के साथ यहाँ पे हमने फ्यूज कर दिया, तो अब जो उसको ज्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा था, अब वो कम टाइम के अंदर हमारे यहाँ पे क्या करा, माइटोटिक फेज के अंदर यहाँ पे हमारा एंट्री कर रहा है। क्लियर है, ठीक है, तो ये हमारा कब होता है, जब हमने यहाँ पे एस और जी टू फेज को यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज कर दिया। क्लियर है, देन नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ द एस फेज सेल विद द G1 फेज सेल लीड्स टू द रैपिड इंडक्शन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस इन द G1 न्यूक्लियस। देखो अब की बार हमने यहाँ पे क्या किया, जो हमारा G1 है और जो हमारे यहाँ पे एस फेज सेल है, इन दोनों को यहाँ पे हमने फ्यूज किया, तो एस फेज वाले के अंदर तो यहाँ पे हमें कोई ज्यादा चेंज नहीं देखने को मिला, लेकिन जो यहाँ पे G1 वाला फेज है ना, ठीक है, जो इसका यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस हुआ, अब इसने यहाँ पे क्या किया, देखो हमने यहाँ पे आपको फेजेस कौन कौन से बताए थे, सबसे पहला हमारे यहाँ पे G1 फेज है, देन उसके बाद S है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे G2, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे M फेज। ठीक है, तो देखो जब हमने यहाँ पे S फेज और G1 फेज वाले सेल को यहाँ पे हमने एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज किया, तो देखो पहले हमारा क्या हो रहा था कि जो G1 वाला सेल था, जो यहाँ पे हमारा जो क्रोमोसोम था या फिर क्रोमेटिन था, वो आराम आराम से यहाँ पे क्या कर रहा था, वो S फेज के अंदर एंट्री करेगा, यहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा, फिर वो G2 फेज के अंदर जाएगा, देन उसके बाद वो यहाँ पे M फेज के अंदर जाएगा। ठीक है, अभी हमने पीछे क्या देखा था कि जब हमने यहाँ पे G2 और S फेज को यहाँ पे हमने एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज कर दिया, तो उसने यहाँ पे क्या किया था कि S फेज को यहाँ पे जल्दी से जल्दी M फेज के अंदर एंट्री करवा दी थी। ठीक है, कह रहा था कि जल्दी जल्दी चलो M M फेज के अंदर यहाँ पे एंट्री कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब हमने यहाँ पे S फेज और G1 फेज इन दोनों को यहाँ पे हमने फ्यूज कर दिया, तो जो S फेज वाला जो यहाँ पे न्यूक्लियस है ना, वो इसके यहाँ पे क्या कर रहा है कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पे आ जाओ और S फेज के अंदर एंट्री कर लो, रेप्लिकेशन यहाँ पे कर लो, तुमको एंजाइम जो भी तुम्हें यहाँ पे एंजाइम चाहिए वो सब यहाँ मैं खुद यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। हमने इनिशियली आपको यहाँ पे बताया था कि जो हमारा यहाँ पे G1 फेज होता है, G1 फेज का काम क्या होता है, रेप्लिकेशन के लिए यहाँ पे एंजाइम्स वगैरह की प्रिपरेशन यहाँ पे करना, जो भी इसको यहाँ पे रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम प्रोटीन यहाँ पे चाहिए उनके यहाँ पे प्रिपरेशन करके देगा ये। अब S फेज ऑलरेडी हमारे यहाँ पे किसके अंदर है, रेप्लिकेशन यहाँ पे कर चुका है, रेप्लिकेशन अगर वो यहाँ पे कर चुका है या फिर कर रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि
कि इसके पास ऑलरेडी जो रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम प्रोटीन यहाँ पे चाहिए होंगे वो सब यहाँ पे ऑलरेडी इसके पास हो चुके हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे एस फेज और जी1 फेज को यहाँ पे हमने एक दूसरे के साथ यहाँ पे मिक्स किया, तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अब एस फेज इसको क्या कह रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटीन और जो एंजाइम यहाँ पे चाहिए रेप्लिकेशन के लिए वो सब यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं, तुम जल्दी से जल्दी क्या करो एस फेज के अंदर एंट्री कर लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, जब बारात यहाँ पे जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो दूल्हे के दोस्त होते हैं वो आराम आराम से क्या करेंगे, नाचते गाते हुए यहाँ पे चलते हैं, लेकिन जो दूल्हे के यहाँ पे मामा होंगे फूफा होंगे वो क्या करेंगे, बारात को जल्दी 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 से चलो शादी के लिए यहाँ पे मुहूर्त निकला जा रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारे यहाँ पे एस फेज होगा ना, एस फेज यहाँ पे हमारा क्या कर रहा है, एक मामा या फिर एक फूफा की तरह यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि मेरे पास प्रोटीन सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी जीवन वाले को क्या करें कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पे एस फेज के अंदर एंट्री कर लो, ठीक है। वही यहाँ पे हमने बताया है, सेल लेट्स टू द रैपिड इंडक्शन ऑफ द डीएनए सिंथेसिस इन द जीवन न्यूक्लियस, दिस इंडिकेट दैट एस फेज सेल कंटेन द फैक्टर दैट इंड्यूस डीएनए सिंथेसिस एंड दैट दीज फैक्टर कैन डिफ्यूज फ्रीली बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इससे हम यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो एस फेज है उसके पास ऑलरेडी यहाँ पे प्रोटीन या फिर फैक्टर या फिर जो एंजाइम है वो ऑलरेडी यहाँ पे बने हुए हैं जो कि इसको यहाँ पे रेप्लिकेशन के टाइम पे चाहिए होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, जीवन फेज को जल्दी से जल्दी यहाँ पे एस फेज के अंदर एंट्री करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कब हो गया, जब हमारे यहाँ पे जीवन और एस फेज की यहाँ पे एक दूसरे के साथ हमने यहाँ पे फ्यूजन की। अब लास्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, जब मैंने यहाँ पे जीवन और जी2 फेज को यहाँ पे या फिर जो इनके जो सेल्स हैं उनको यहाँ पे हमने फ्यूज किया, When G1 cell were fused with the G2 cells, G1 plus G2, इनको जब हमने यहाँ पे फ्यूज किया, the rate of initiation of the DNA synthesis of mitosis was similar, so of that the G1 cells rather than the G2 cells. देखो एक तो हमारे यहाँ पे हमने दो चीजें और बताई है, एक हमारे यहाँ पे G1 G1, एक हमारे यहाँ पे G2 G2, एक तो हमारे यहाँ पे ये वाला फ्यूज है, एक हमारे यहाँ पे ये वाले फ्यूज सेल्स है। तो जब हमने यहाँ पे इन दोनों को फ्यूज किया और हमने यहाँ पे एक टाइम नोट किया कि हमारे ये कितने टाइम के बाद एम फेज के अंदर एंट्री कर रही है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि देखो अब यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है, या तो क्या करे कि जो G2 वाला हमारे यहाँ पे जो सेल है या फिर जो इसका न्यूक्लियस है वो इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पे क्या करे, जैसे कि ये एम फेज को यहाँ पे लेके गया, सॉरी एस फेज वाले को लेके गया था ना एम फेज के अंदर, जो हमारा G2 वाला है वो तो या तो क्या कर सकता है इस G1 वाले को एस की तरह ही जल्दी से जल्दी यहाँ पे एम के अंदर एंट्री करवा देगा, या फिर दूसरा यहाँ पे यू भी तो हो सकता है ना कि जो जीवन है वो इसको यहाँ पे खींच के रखे कि अभी तक मेरे यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हुई है, मैं आराम से चलूंगा, तुम्हें जाना हो तो जाओ, ठीक है, और तुमको भी मैं नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुमको यहाँ पे अपने साथ ही रखूंगा और हम दोनों इकट्ठे क्या करेंगे एम फेज के अंदर एंट्री करेंगे। पहले तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दो आउटकम हमारे यहाँ पे आ सकती है, पहले आउटकम ये हो सकती है कि जो G2 वाला हमारे यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो G1 को जल्दी से जल्दी यहाँ पे एम के अंदर एंट्री करवाए, ठीक है, जो यहाँ पे हमारा G2 वाला है वो जल्दी से जल्दी इसको क्या करे M के अंदर एंट्री करवा दे, या फिर दूसरा यहाँ पे ये हो सकता है कि जो G1 है वो इसको G2 को भी एंट्री ना करने दे और अपने हिसाब से चले और अपने साथ ही क्या करे इस G2 को भी बाद में यहाँ पे M फेज के अंदर एंट्री करवाए। तो दो आउटकम यहाँ पे पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिला, द रेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस एंड ऑफ माइटोसिस वाज सिमिलर टू दैट ऑफ G1 G1, जो हमारे यहाँ पे G1 वाले जो बात कर रहे थे ना कि G1 खुद भी यहाँ पे आराम से चलेगा और G2 को भी आराम से चलाएगा, वही हमारे यहाँ पे क्या होता है रिजल्ट में यहाँ पे देखने को मिलता है रेदर देन G2 G2 सेल, ठीक है। वो किसके हिसाब से चलेंगे, G1 वाले के हिसाब से चलेंगे, G1 वाला आराम से यहाँ पे रेप्लिकेशन करेगा, देन उसके बाद G2 में एंट्री करेगा, देन उसके बाद ये माइटोसिस के अंदर यहाँ पे एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे किसके अंदर होता है, जब हमारा यहाँ पे G1 और G2 सेल को यहाँ पे हमने एक दूसरे के साथ यहाँ पे फ्यूज किया, क्लियर है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है सेल साइकिल के अंदर। देखो जो सेल साइकिल है या फिर जो सेल डिवीजन है वो ऑलरेडी आपने यहाँ पे BSc के अंदर या फिर जो 11th 12th है वहाँ पे आपने इसको ऑलरेडी यहाँ पे स्टडी किया हुआ होगा, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलेगा ना MSc के अंदर या फिर जो हमारे यहाँ पे नेट एग्जाम है DVT एग्जाम है, तो जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी हमें जो पूछे जाते हैं या फिर जो हमारे यहाँ पे सबसे हॉट टॉपिक या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यहाँ पे रहेगा वो हमारे यहाँ पे होता है सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे स्टडी करके चलते हैं। सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स 3 मेजर रेगुलेटरी ट्रांजिशन आर कंट्रोल्ड बाय द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम ड्यूरिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन। फर्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट इन द लेट G1 फेज, द सेल कमिटेड टू सेल साइकिल एंट्री एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। जब जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सेल है जब इसको यहाँ पे कमिटमेंट बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, ठीक है,
इसको यहाँ पे डिवीजन करनी ही है, तो वो यहाँ पे किसको पॉइंट को यहाँ पे क्लियर करेगा, जो हमारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होगा। रिस्ट्रिक्शन पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या करेगा, एक तरीके से यहाँ पे हमारा ये टोल होगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, इसको तभी पास यहाँ पे करने देगा कि ये पहले सेल को पूछेगा कि आप यहाँ पे प्रिपेयर हो सेल डिवीजन के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे इसके अंदर तो फिर से यहाँ पे आप वापस नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पे लेट जीवन फेज के अंदर जो हमारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, वो यहाँ पे चेक करेगा कि क्या सेल यहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप साइकिल को दे सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सबसे फर्स्ट हमारे यहाँ पे G1, देन उसके बाद S, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे G2, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे M फेज। तो फर्स्ट, सबसे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे पॉइंट रहेगा, जो हमारे यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होगा, वो हमारे यहाँ पे कहाँ पे बैठा हुआ है, लेट जीवन फेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये चेक करेगा कि क्या जो सेल है वो यहाँ पे कंप्लीटली प्रिपेयर है, क्या आप यहाँ पे अपनी मर्जी से यहाँ पे जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि वापस आप यहाँ पे नहीं जा पाओगे। अगर आप यहाँ से पास करोगे तो आपको यहाँ पे डिवीजन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, एंटर सेल साइकिल एंड प्रोसीड टू द एस फेज, स्टार्ट ट्रांजिशन, इज इन्वायरमेंट फेवरेबल, ठीक है। क्या सब चीजें यहाँ पे हमारी क्लियर है, तभी यहाँ पे इसको क्या करेगा, यहाँ से पास करेगा, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट इन द लेट जीवन फेज, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड हमारे यहाँ पे आता है G2M ट्रांजिशन, जो हमारे यहाँ पे G2 से और M फेज के अंदर जब ये एंट्री कर रहे थे, ये यहाँ पे फिर से इसको पूछेगा कि आप यहाँ पे सेल डिवीजन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो। इट ट्रिगर द अर्ली माइटोटिक इवेंट दैट लीड टू द क्रोमोसोम अलाइनमेंट ऑन द माइटोटिक स्पिंडल इन द मेटाफेज। ये यहाँ पे क्या पूछेगा कि जो डीएनए है वो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे रेप्लीकेट हो चुका है, नहीं हुआ, क्या यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे जब माइटोटिक्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे बिल्कुल सेल डिवीजन हमारे यहाँ पे होनी है, ठीक है, एम फेज के अंदर ये एंट्री कर रहा है, तो उस टाइम पे ये फिर से यहाँ पे आपको पूछेगा कि क्या जो सेल है वो यहाँ पे प्रिपेयर है या फिर नहीं है, क्या सब चीजें यहाँ पे क्लियर है या फिर नहीं है, ठीक है, क्या जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे बिल्कुल हमारे यहाँ पे अलाइन हो चुकी है, वो डिवीजन के लिए यहाँ पे प्रिपेयर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे सेकंड यहाँ पे हमारा कंट्रोल सिस्टम हो जाता है। थर्ड हमारे यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होता है मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन। देखो पीछे हमने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ पे एम फेज भी जो होगा, इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पे फेज होंगे, जैसे कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे प्रो फेज हो गया, ठीक है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है मेटा फेज, ठीक है, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे होगा एना फेज, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है टीलो फेज। तो इसके अंदर भी क्या होगा कि जब हमें यहाँ पे मेटा फेज टू एना फेज इसके अंदर यहाँ पे ट्रांजिशन हो रही होगी, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि क्या सब चीजें यहाँ पे क्लियर है, चेक पॉइंट है ये, चेक पॉइंट पे यहाँ पे पूछा जाएगा कि सब चीजें यहाँ पे क्लियर है या फिर नहीं है। अगर क्लियर है, ठीक है, तो ही आगे इसको यहाँ पे प्रोसीड करने देगा, अगर यहाँ पे क्लियर चीजें नहीं होंगी तो वो इसको यहाँ पे ही स्टॉप कर देगा जब तक वो चीजें यहाँ पे क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। जैसे कि चेक पॉइंट पे यहाँ पे होता है ना कि अगर कोई यहाँ पे पर्टिकुलर सामान ऐसा है जो कि आप यहाँ पे आगे नहीं ले जा सकते, ठीक है, तो अगर आप वो सामान को छोड़ोगे, जैसे कि जब हम यहाँ पे एग्जाम देने जाते हैं, तो जब हम सेंटर के अंदर यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो वहाँ पे कुछ हमारी ऐसी चीजें होती है जिनकी यहाँ पे एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, जैसे कि मोबाइल फोन में यहाँ पे नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे एग्जाम के अंदर ये एंट्री कर रहा है एम फेज, यहाँ पे टीलो फेज के अंदर यहाँ पे ये एंट्री कर रहा है, साइटोकाइनेसिस के अंदर ये एंट्री कर रहा है, तो उससे पहले यहाँ पे क्या है, तीन चेक पॉइंट यहाँ पे होंगे, तीन जगह इसकी यहाँ पे चेकिंग होगी, यहाँ पे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास सब कुछ चीजें यहाँ पे तैयार है, आप यहाँ पे एग्जाम रोल नंबर यहाँ पे लेके आए हो, या फिर जो अदर यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो चीजें आप यहाँ पे लेके आए हो। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या होगा, G2M ट्रांजिशन के अंदर यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपके पास कोई और अनवांटेड चीजें तो यहाँ पे नहीं है, जैसे कि मोबाइल फोन यहाँ पे आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा लास्ट यहाँ पे होगा मेटाफेज टू एनाफेज, वहाँ पे खुद चेकिंग करेंगे कि क्या आपके पास सब चीजें क्लियर है या फिर कुछ अनवांटेड चीज आपके पास यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, तीन अलग अलग हमारे यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होंगे जो कि यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या जो यहाँ पे सेल डिवीजन है या फिर जो सेल साइकिल है वो हमारे यहाँ पे एक रेगुलर वे में चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे मेटाफेज टू एनाफेज होगा वो हमारे यहाँ पे क्या करेगा, इट स्टिमुलेट सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेशन लीडिंग टू द कंप्लीशन ऑफ माइटोसिस एंड द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। द कंट्रोल सिस्टम ब्लॉक प्रोग्रेशन थ्रू ईच ऑफ दिस ट्रांजिशन इफ इट डिटेक्ट प्रॉब्लम इनसाइड और आउटसाइड द सेल, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK आर द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम एंड आर मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ द प्रोटीन काइनेज। अब हम यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के कंट्रोल सिस्टम होंगे, जैसे कि हमारे यहाँ पे लेट जीवन फेज के अंदर या फिर G2M फेज के अंदर या फिर जो हमारे यहाँ पे मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन के अंदर, वहाँ पे हमारे क्या होते हैं अलग अलग यहाँ पे हमारे कंट्रोल सिस्टम होते हैं, और जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं ना उनका जो प्राइमरी कॉम्पोनेंट होगा, ठीक है, जो कंट्रोल सिस्टम है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे थे ना कि यहाँ पे हमारा जब एग्जाम सेंटर के अंदर हम एंट्री कर रहे हैं तो जो चेकिंग यहाँ पे कर रहे हैं ना, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे क्या होते हैं CDKs, ठीक है। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आर द सेंट्रल कंपोनेंट ऑफ द सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम एंड आर मेंबर ऑफ ए फैमिली ऑफ ए प्रोटीन काइनेज।
द एक्टिविटीज ऑफ दीज काइनेज आर राइज एंड फॉल एज द सेल प्रोग्रेशन थ्रू द सेल साइकिल लीडिंग टू साइक्लिक चेंजेस इन द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द इंट्रा सेलुलर प्रोटीन दैट इनिशिएट और रेगुलेट द मेजर इवेंट ऑफ द सेल साइकिल। अब जो हमारे यहाँ पे सीडीकेज है, सीडीकेज हमारे यहाँ पे क्या है, काइनेज ही तो है, और काइनेज हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, फॉस्फेट को यहाँ पे ऐड करेंगे, और फॉस्फेट को जब ये ऐड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या नाम देते हैं, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ दीज काइनेज राइज एंड फॉल एज द सेल प्रोग्रेशन थ्रू द साइकिल। इनकी जो एक्टिविटी है, जो हमारे यहाँ पे इनकी काइनेज एक्टिविटी है, वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू क्या होती रहती है, ऊपर नीचे यहाँ पे होती रहेगी। ठीक है, राइज एंड फॉल यहाँ पे कंटिन्यू होती रहेगी लीडिंग टू द साइक्लिक चेंजेस इन द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। और जब यहाँ पे इसकी एक्टिविटी कम ज्यादा हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो फॉस्फोरिलेशन की प्रोसेस भी है, ठीक है, वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, वो भी हमारे यहाँ पे कंटिन्यू अप्स एंड डाउन यहाँ पे होती रहेगी। ठीक है, लीडिंग टू साइक्लिक चेंज इन द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर प्रोटीन दैट इनिशिएट और रेगुलेट द मेजर इवेंट ऑफ द सेल साइकिल। साइक्लिक चेंजेस इन द सीडीके एक्टिविटी आर कंट्रोल्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ एंजाइम एंड अदर प्रोटीन्स। अब जो साइक्लिक चेंज जो हमारे यहाँ पे सीडीके के अंदर आ रहा है ना, उसको भी रेगुलेट हमारे यहाँ पे कौन कर रहा है, दूसरे यहाँ पे हमारे एंजाइम और प्रोटीन। देखो हमारे यहाँ पे कुछ एंजाइम या फिर हमारे यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स है, ये क्या करेंगे सीडी को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, और सीडी के यहाँ पे क्या करेगा, फॉस्फोरिलेशन को यहाँ पे रेगुलेट करेगा। किसकी फॉस्फोरिलेशन को, जो हमारे यहाँ पे अदर प्रोटीन्स होंगे, और ये जो प्रोटीन्स होंगे ये हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, सेल साइकिल को यहाँ पे प्रोसीड करने में हेल्प करेंगे। अब अगर इसके अंदर यहाँ पे कोई भी मिस्टेक होगी तो यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन में मिस्टेक होगी, यानी कि प्रोटीन यहाँ पे हमारा कंप्लीटली एक्टिव नहीं हो पाएगा और यहाँ पे हमारी सेल साइकिल प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, अब इनको रेगुलेट करने के लिए हमारे यहाँ पे क्या होता है, कुछ एंजाइम या फिर हमारे कुछ यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, और इसी में हमारे यहाँ पे जो एंजाइम प्रोटीन की हम जब बात कर रहे हैं ना, इसी के अंदर हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे वे हमारे यहाँ पे होते हैं साइक्लिंस। ठीक है, साइक्लिंस आर द मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज सीडी के रेगुलेटर। जो यहाँ पे हमारे एंजाइम और प्रोटीन होते हैं ना, जो सबसे जो कि यहाँ पे सीडी को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, तो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा जो प्रोटीन होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, साइक्लिन। और जो सीडीके है, सीडीके के नाम में देखो यहाँ पे क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे काइनेज है वो किसके ऊपर डिपेंड है, साइक्लिन के ऊपर। ठीक है, यानी कि जो काइनेज है, जो इसकी एक्टिविटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड होगी, साइक्लिन के ऊपर। ठीक है, तो साइक्लिन है वो हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे प्रोटीन प्रोटीन या फिर हमारे एंजाइम हो जाते हैं, जो कि क्या करेंगे यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन या फिर जो सीडीकेज है उनको यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, सीडीके आर डिपेंडेंट ऑन द साइक्लिन फॉर देयर एक्टिविटी अनलेस दे आर बाउंड टाइटली टू ए साइक्लिन। साइक्लिन अंडरगो ए साइकिल ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन इन ईच सेल साइकिल। देखो अभी हमने यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो हमारे सीडीकेज है, सीडीकेज की जो एक्टिविटी है ना वो हमारे यहाँ पे अप्स एंड डाउन होगी। ये हमारे यहाँ पे यू नहीं है कि सीडीके हमारे यहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे या फिर वो हमारे यहाँ पे न्यूली सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये हमारे यहाँ पे ऑलरेडी सिंथेसाइज है, सिर्फ इनकी जो एक्टिविटी है ना वो हमारे यहाँ पे ऊपर नीचे जाती रहेगी। एक बार वो ऊपर की एक्टिविटी सीख जाएगी, एक बार कम हो जाएगी, एक बार ज्यादा होगी, और ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा था, ये हमारे यहाँ पे डिपेंड था साइक्लिन के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट जो थे हमारे यहाँ पे। और जो साइक्लिन है ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे यहाँ पे कंटिन्यू इनकी फॉर्मेशन होती रहेगी, डिस्ट्रॉय होते रहेंगे, फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय इस तरीके से हमारे यहाँ पे होते रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि जब ये हमारे यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होगी तो ये क्या करेंगे, सीडीए को यहाँ पे एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, जब ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे तो इसकी एक्टिविटी भी यहाँ पे कम हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रॉय होगा ना, यहाँ पर जो सिंथेसिस होगी वो हमारी किसकी होगी, साइक्लिन की होगी, और सीडीके हमारे यहाँ पे बना हुआ है उसकी सिर्फ एक्टिविटी हमारे यहाँ पे अप्स एंड डाउन होगी। ठीक है, साइक्लिन अंडरगो ए साइकिल ऑफ सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन इन ईच सेल साइकिल। द लेवल ऑफ द सीडीके प्रोटीन बाय कॉन्ट्रास्ट आर कॉन्स्टेंट। जो हमारे सीडीके प्रोटीन है उसकी जो यहाँ पे लेवल रहता है ना, उसकी जो यहाँ पे कंटेंट होगा वो हमारे यहाँ पे नियरली कॉन्स्टेंट रहेगा। साइक्लिक चेंजेस इन द साइक्लिन प्रोटीन लेवल रिजल्ट इन द साइक्लिक असेंबली एंड एक्टिवेशन ऑफ द साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स एट द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या है, जो हमारे यहाँ पे साइक्लिन हो गए, G1S वाले साइक्लिन जो है वो हमारे यहाँ पे कब बनेंगे, जैसे कि नाम से हमारा पता चल रहा है G1S, यानी कि ये हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इसकी अमाउंट होगी वो कब होगी, जब हमारा जो सेल होगा वो हमारा G1 से S के अंदर यहाँ पे हमारा एंट्री कर रहा होगा, तभी तो इसके यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो जब ये हमारे यहाँ पे इसके अंदर एंट्री कर रहा था तब इसकी यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट रहेगी। एस साइक्लिन की हमें यहाँ पे कब रहेगी, जब हमारे यहाँ पे एस फेज चल रहा होगा। ठीक है, उसके अलावा आगे तक भी इसकी यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे एम साइक्लिन होगा वो हमें एम फेज के अंदर यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होती है, हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे साइक्लिन होंगे। साइक्लिन क्या करेंगे, सीडी को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, और सीडी के यहाँ पे क्या करेगा, फॉस्फोरिलेशन को यहाँ पे रेगुलेट करके यहाँ पे सेल साइकिल को कंट्रोल करेगा। ठीक है, ऑल यूकैरियोटिक सेल रिक्वायर थ्री ऑफ दीज क्लासेस
जो हमारे यहाँ पे साइक्लिन है ना, साइक्लिन की हमारे यहाँ पे तीन मेजर क्लासेज हमारे यहाँ पे होंगी। पहला हमारे यहाँ पे होगा G1 एस साइक्लिन, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे होगा एस साइक्लिन, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे होगा एम साइक्लिन। पहले अगर हम यहाँ पे बात करें G1 एस के लिए, दीज एक्टिवेट CDK इन द लेट G1 एंड देयर बाय हेल्प ट्रिगर प्रोग्रेशन थ्रू द स्टार्ट रिजल्टिंग इन ए कमिटमेंट टू सेल साइकिल एंट्री। ठीक है, जो स्टार्ट की हम यहाँ पे बात करें ना, ये हमारा कौन सा है, लेट G1 रेस्ट्रिक्शन पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे G1 एस साइक्लिन है, नाम से पता चल रहा है जब हमारे यहाँ पे G1 से एस फेज के अंदर हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे साइक्लिन होगा वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, G1 एस साइक्लिन। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है एस साइक्लिन जो कि क्या करेगा, दिस साइक्लिन, एक मिनट, जो हमारे यहाँ पे पहले G1 एस वाला हमारे यहाँ पे एक पॉइंट रहता है, देयर लेवल फॉल इन द एस फेज। जैसे हमारे यहाँ पे एस फेज स्टार्ट होगा तो हमारे यहाँ पे जो G1 एस साइक्लिन है उसकी यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी, उसकी जो फॉर्मेशन होगी वो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ये हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, एस फेज के लिए एस साइक्लिन आएंगे। दिस साइक्लिन बाइंड CDK आफ्टर प्रोग्रेशन थ्रू द स्टार्ट एंड हेल्प स्टिमुलेट क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। एस साइक्लिन लेवल रिमेन एलिवेटेड अंटिल माइटोसिस एंड ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द कंट्रोल ऑफ सम अर्ली माइटोटिक इवेंट। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा एम साइक्लिन। दिस साइक्लिन एक्टिवेट CDK दैट स्टिमुलेट एंट्री इनटू द माइटोसिस एट द G2M ट्रांजिशन। जो हमारे यहाँ पे एम वाला होगा इसकी में जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारे यहाँ पे G2 से एम के अंदर में यहाँ पे एंट्री कर रहे होंगे। ठीक है, एम साइक्लिन लेवल फोर इन द मिड माइटोसिस, जब हमारे यहाँ पे जो माइटोसिस है वो हमारे यहाँ पे मिड वे पहुंच जाएगा तब यहाँ पे इसके जो लेवल होगा वो हमारे यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे क्या होता है, तीन टाइप के हमारे यहाँ पे साइक्लिन होता है जो कि हमारे यहाँ पे सेल साइकिल प्रोग्रेशन के लिए हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ पे जो CDK की एक्टिविटी है उसके लिए हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, इन मोस्ट सेल ए फोर्थ क्लास ऑफ साइक्लिन द G1 साइक्लिन हेल्प गवर्न द एक्टिवेशन एक्टिविटी ऑफ द G1 एस साइक्लिन विच कंट्रोल द प्रोग्रेशन थ्रू द स्टार्ट इन द लेट G1 पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा G1 साइक्लिन भी यहाँ पे कुछ केसेस के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जो कि हमारे यहाँ पे क्या करेगा, जब हमारे यहाँ पे जो स्टार्ट पॉइंट है जब हमारे यहाँ पे एस फेज के अंदर एंट्री कर रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे इसकी यहाँ पे हमें कई बार जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो जाते हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट साइक्लिन होंगे। और यहाँ पे हमारा क्या देखने को मिलता है कि जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारे यहाँ पे साइक्लिन है, अब साइक्लिन क्या करेंगे, CDK को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। CDK यहाँ पे क्या करेगा, फॉस्फोलेशन को यहाँ पे रेगुलेट करेगा। फॉस्फोलेशन किसकी, जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन्स होंगे, और प्रोटीन ये क्या करेंगे, जब इनकी फॉस्फोलेशन होगी तो ये हमारे यहाँ पे सेल डिवीजन या फिर सेल साइकिल को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। तो जो साइक्लिन है ये क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे CDK है इनको यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे क्या बताया कि हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे साइक्लिन होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे G1 एस फेज के लिए हमारे यहाँ पे कुछ साइक्लिन होंगे। ठीक है, कुछ हमारे यहाँ पे एस फेज के लिए साइक्लिन होंगे, कुछ हमारे यहाँ पे जो एम फेज है उसके लिए हमारे यहाँ पे साइक्लिन होंगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे यहाँ पे साइक्लिन होते हैं, G1 एस हो गया, एस हो गया और एम फेज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे अलग अलग टाइप के साइक्लिन होते हैं और ये साइक्लिन क्या करेंगे, CDK को यहाँ पे रेगुलेट करते हैं। और इन्हीं की अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे हमारे जो स्पेसिफिक, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे यहाँ पे जो G1 CDK है, हमने यहाँ पे बताया ना फोर टाइप, हमारे यहाँ पे G1 वाला भी हो सकता है, तो जो हमारे यहाँ पे G1 CDK जो होगा उसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन सा आता है, साइक्लिन डी। जो हमारे यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना कि जो हमारे यहाँ पे G1 CDK जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो हमारे यहाँ पे रेगुलेट करेंगे जो इनको, ठीक है, उनको रेगुलेट हमारे यहाँ पे जो साइक्लिन कर रहे हैं वो हमारा कौन सा करेगा, साइक्लिन डी। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्टिब्रेट्स के लिए। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि साइक्लिन हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, साइक्लिन डी। और ये हमारा कौन से CDK को यहाँ पे रेगुलेट करेगा, CDK4 और CDK6 को। जो यहाँ पे हमारा G1 CDK था उसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, जो हमारे यहाँ पे साइक्लिन डी होगा। और ये किसको यहाँ पे रेगुलेट करेगा, CDK4 एंड CDK6 को। इसी तरीके से अगर हम बात करें यीस्ट के लिए, तो यीस्ट के अंदर हमारे यहाँ पे कौन सा साइक्लिन होगा, CLN3। और ये हमारा किसको यहाँ पे रेगुलेट करेगा, CDK1 को। ठीक है, यहाँ पे CDK1 नहीं आएगा, CDK आएगा। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे हम बात करते हैं G1 एस CDK के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे साइक्लिन कौन सा आएगा, साइक्लिन ई आएगा। और ये हमारा कौन से CDK को यहाँ पे रेगुलेट करेगा, CDK2 को। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें ईस्ट के लिए, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन से आएंगे, G1 एस CDK के लिए यहाँ पे हमारा आता है CLN1 और CLN2। ठीक है, और जो CDK होगा वो हमारे यहाँ पे फिर से कौन सा आ जाएगा, CDK1। ठीक है, ईस्ट के अंदर हमारे यहाँ पे जो CDK होगा ना वो सेम ही होगा सबके अंदर, CDK1 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 CDK1। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं एस CDK के लिए, तो इसके लिए हमारे यहाँ पे वर्टिब्रेट्स के अंदर हमारा कौन सा साइक्लिन होता है, ए होगा। और यहाँ पे हमारा जो CDK होगा वो हमारा कौन सा होता है, CDK2 एंड CDK1। देन उसके बाद अगर हम बात करें ईस्ट के लिए, तो यहाँ पे हमारा होता है CLB5 एंड CLB6।
ठीक है, ये हमारा सी एल एन था, ये हमारा सी एल बी है, और यहाँ पे हमारा सी डी के, तो सी ए डी के बन नहीं रहेगा। देन उसके बाद हमारे यहाँ पे लास्ट आता है एम सी डी के, और इसके अंदर हमारे यहाँ पे कौन सा होगा साइक्लिन बी, और इसके लिए हमारे यहाँ पे सी डी के कौन सा होगा सी डी के वन, और इसके लिए हमारा ईस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा कौन सा होता है सी एल बी 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, और सी डी के वन है वहाँ पे हमारा रहेगा। ठीक है, तो आप जो वर्टिब्रेट्स है उनको तो आपको आपको जरूर ध्यान में रखना है, इसके ऊपर हमारे कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या याद में रखना है कि इनका ऑर्डर आप यहाँ पे याद कर लो बस। ठीक है, पहले हमारा जी वन, देन जी वन टू एस, देन एस, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे एम, और उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे एक ये याद रखना है डी ई ए बी। ठीक है, फिर हमारे यहाँ पे दूसरा क्या रहेगा इसके साथ हमारा जो कोड रहेगा वो 46 2 2 1 1, ठीक है, 46 हमारा किसके लिए आएगा डी के लिए, देन उसके बाद 2 हमारा किसके लिए आएगा ई के लिए, 2 1 हमारा किसके लिए आएगा ए के लिए, और बी जो 1 है वो हमारा किसके लिए आएगा बी के लिए। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइक्लिन एंड सी डी के हमारे यहाँ पे हो जाते हैं सेल साइकिल के लिए, वर्टिब्रेट्स और यीस्ट के लिए। अब यहाँ पे हमने जैसे आपको बताया कि जहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो हमारे साइक्लिन्स है, ठीक है, साइक्लिन हमारे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा साइक्लिन हो गया, साइक्लिन हमारे यहाँ पे क्या कर रहा था सी डी की कोई एक्टिविटी को यहाँ पे रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे रेगुलेट करता है अगर हम यहाँ पे उसके लिए बात करते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ द साइक्लिन ए प्रोटीन लूप पार्शली ऑब्सेक्योर्स इन द एक्टिव साइट इन द सी डी के प्रोटीन। देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे एक ये हमारे यहाँ पे हो जाता है सी डी के, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो एक्टिव साइट है ना, ठीक है, जो इसकी प्रोटीन लूप है, जैसे कि ये यहाँ पे प्रोटीन लूप होगी, ठीक है, इसको हम दूसरे कलर से यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन लूप हो गई, ठीक है, प्रोटीन लूप, तो प्रोटीन लूप के अंदर क्या होता है कि जो इसकी एक्टिव साइट है ना वो इसी के अंदर यहाँ पे क्या रहती है ब्लॉक रहेगी जब हमारे यहाँ पे कोई भी साइक्लिन नहीं आया, जैसे साइक्लिन इसके साथ यहाँ पे बाइंड करेगा साइक्लिन बाइंडिंग कॉज द लूप टू मूव अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट पार्शली एक्टिवेटिंग द सीडीके एंजाइम। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि जैसे इसके साथ यहाँ पे हमारा, एक मिनट पहले हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया प्लस हमारे यहाँ पे आ गया साइक्लिन, तो साइक्लिन यहाँ पे क्या करेगा इसको, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सी डी के ही था, इसके अंदर यह हमारे यहाँ पे क्या थी जो हमारा प्रोटीन लूप था अभी तक ये इस तरीके से था, तो जब इसके साथ यहाँ पे हमारा ये हमारे यहाँ पे आ जाता है साइक्लिन, ये हमारा क्या था सी डी के, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया साइक्लिन हो गया, तो साइक्लिन जब इसके साथ यहाँ पे बाइंड करेगा तो वो क्या करेगा इस प्रोटीन लूप को यहाँ पे हमारा एक्सपोज कर देगा, कुछ इस तरीके से एक्सपोज कर दिया। ठीक है, और जब यहाँ पे इसको एक्सपोज कर देगा तो उस वजह से क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे सी डी के है ना वो हमारे यहाँ पे पार्शली एक्टिव हो जाएगा, ये अभी तक यहाँ पे कंप्लीटली एक्टिव नहीं है, ये हमारा कैसा है अभी तक पार्शली यहाँ पे एक्टिवेट हो गया। ठीक है, अब इसको कंप्लीट यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे हमारा क्या होता है एक और हमारे यहाँ पे काइनेज होगा सी ए के। ठीक है, साइक्लिन सी डी के कॉम्प्लेक्स फुल एक्टिवेशन अकर वेन ए काइनेज दैट सी डी के एक्टिवेटिंग काइनेज। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जब इसके साथ, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे यहाँ पे सी डी के था, इसके अंदर ये हमारे यहाँ पे प्रोटीन लूप हो गया था, और ये हमारे यहाँ पे क्या था साइक्लिन था, तो इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होगा जब हमारे यहाँ पे सी ए के हमारे यहाँ पे क्या हो गया सी डी के एक्टिवेटिंग काइनेज, ये हमारा क्या करेगा फॉस्फोरिलेट एन अमीनो एसिड नियर द एंट्रेंस ऑफ द सी डी के एक्टिव साइट। जो हमारे यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे प्रोटीन लूप था, प्रोटीन लूप के अंदर ये क्या कर देगा जो इसके यहाँ पे एक्टिव साइट होगी ना उसके पास एक यहाँ पे हमारा जो अमीनो एसिड होता है उसको यहाँ पे फॉस्फोरिलेट कर देगा। ठीक है, सी ए के है, सी ए के का मतलब क्या हुआ काइनेज ही है, काइनेज क्या कर सकता है फॉस्फोरिलेशन यहाँ पे करेगा, तो फॉस्फोरिलेशन इसने यहाँ पे किसकी की, जो यहाँ पे प्रोटीन लूप है उसके अंदर जो एक्टिव साइट है वहां पे एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड की, और जब यहाँ पे इसकी यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो हमारे यहाँ पे सी डी के है जो यहाँ पे हमारा पार्शली एक्टिव था अभी तक वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फुल्ली एक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिसके जो सी डी के है इसके जो फुल्ली एक्टिवेशन यहाँ पे चाहिए उसके लिए हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले साइक्लिन होना चाहिए, देन उसके बाद हमारे यहाँ पे सी ए के होना चाहिए। ठीक है, सी डी के एक्टिवेटिंग काइनेज दिस कॉज ए स्मॉल कन्फर्मेशन चेंज दैट फर्दर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द सी डी के अलोविंग द काइनेज टू फॉस्फोलेट इट्स टारगेट प्रोटीन इफेक्टिवली एंड देयर बाय इंड्यूस द सेल साइकिल इवेंट। और इस वजह से हमारे यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे जब हमारा सी डी के कम्प्लीटली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारी फॉस्फोलेशन यहाँ पे करेगा, प्रोटीन हमारे यहाँ पे एक्टिवेट होगा और यहाँ पे हमारा जो सेल साइकिल है वो हमारे यहाँ पे कंटिन्यू चलता रहेगा। क्लियर है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है जो हमारा सेल साइकिल है इसका मैंने यहाँ पे एक ओवरव्यू भी यहाँ पे हमने लिया। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो अलग अलग इसके अंदर हमारे यहाँ पे फेजेस होंगे उनके यहाँ पे हमने आपको बात की, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो इंटरफेज होता है या फिर उसके अंदर हमारे जो जी वन एस फेज जी टू फेज यहाँ पे हमारे रहेंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमने मेटाफेज की भी यहाँ पे हमने बात की। ठीक है, जो यहाँ पे हमारा मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होता है या फिर जो हमारा एम फेज था एन फेज के अंदर जो भी हमारे यहाँ पे फेजेस थे उनका यहाँ पे हमने एक ओवरव्यू यहाँ पे लिया।
उसके अलावा जो हमारे यहाँ पे सेल साइकिल रेगुलेशन, जो कि हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक होने वाला है, उसका भी यहाँ पे हमने कवर भी यहाँ पे ले लिया है, जिसके अंदर यहाँ पे हमने साइक्लिन और सीडी की यहाँ पे हमने बात की, वो किस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे को यहाँ पे रेगुलेट करेंगे, कौन कौन से हमारे यहाँ पे साइक्लिन होंगे, कौन कौन से हमारे यहाँ पे सीडी केज होंगे, ठीक है। तो ये सब हमने यहाँ पे आज के लेक्चर में बात की, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम यहाँ पे इसको फर्दर और ज्यादा हम यहाँ पे जो इसका कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे यहाँ पे तरीका रहेगा, किस तरीके से यहाँ पे हमारा जो सेल साइकिल रेगुलेशन है वो हमारे यहाँ पे होता है, तो उसको हम यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करके चलेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपका स्टडी करना हो, तो आप यहाँ पे लोडिस की जो बुक रहती है मॉलिकुलर सेल बायोलॉजी, आप उससे यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, या फिर जो एल्बर्ट्स की जो बुक रहती है मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, उससे भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, या फिर जो कार्प की जो बुक रहती है सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी कॉन्सेप्ट एंड एक्सपेरिमेंट्स, उससे भी आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, ठीक है। राव एंड जॉनसन का जो एक्सपेरिमेंट है उसके लिए आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर साइट पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको इसकी PDF इजीली अवेलेबल वहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR, NET JRF, DBT, BET JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी से रिलेटेड इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर।